लेकिन मेरे को एक चीज दिखे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो सेम बिल्कुल टार्जन वाली फील आ रही है इसे देख के। वो ऐसी गाड़ी को भाई टार्जन बनाता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ और आज का जो अपना सबसे पहला काम है, आज हमें सबसे पहले जाना है गुड़गांव। हमें मतलब मैं, उज्जवल और मम्मी, वहाँ पे कुछ काम है तो फटाफट गुड़गांव के लिए निकल रहे हैं। उज्जवल गाड़ी लेने गया हुआ है और पापा हमेशा की तरह ड्यूटी पे ही हैं भाई, तो हम तीनों ही जा रहे हैं। वैसे तो पापा को भी जाना था, हमने बोला भी आ जाओ, पापा ने बोला नहीं तुम ही कराओ वो काम, मैं काम ही कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं, उज्जवल और मम्मी जा रहे हैं और उज्जवल गया है गाड़ी निकालने, तो बाकी सारी बातें हम रास्ते में कर लेंगे। तो फटाफट चलते हैं नीचे और चलते हैं गुड़गांव। तो पहले दुकान से एक पानी की बोतल ले लेता हूँ यार, प्यास लगे बहुत ज़्यादा, लाना भूल गए घर से। बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी रहती है तो गाड़ी की हालत देखो क्या हो रखी है। ऊपर से बरबंटे बोलते हैं हम तो वो गिर गिर के गाड़ी की छत पे भी बुरा हाल हो रखा है। अब इसको धुलवा भी लेंगे ना, फिर वहीं खड़ी करनी है और सेम हालत हो जानी है। ये गाड़ी के जो फवारे हैं शीशे के, इसमें पानी भी नहीं था तो गन्ने के रस वाले इसे एक मग का पानी लेके इसमें मारा है। ये चीज़ ध्यान ही नहीं रही कि इसमें पानी चेक करना भूल गए, इसमें पानी चेक करना था। तो अब गंदी इतनी ज़्यादा हो गई तो धुलवानी तो पड़ेगी, बेशक दोबारा गंदी हो जाए तो धुलवानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है। देखना बोनट की हालत बहुत बेकार लग रही है यार, गिरते रहते हैं और वाइट गाड़ी है तो होना तो है ही। सो गाइस पहुंच गए हैं गुड़गांव। और भाई जो गर्मी हो रखी है बाहर, एसी में ही बढ़िया था। अब एसी से उतरते ही, गाड़ी से उतरते ही लू चल रही है, लिटरली गर्म हवाएं चल रही है, मुश्किल हो रहा है बाहर खड़ा होना। तो चलते हैं जिस काम की वजह से आए हैं तो वो काम करने चलते हैं पहले, फिर वो काम निपटा के निकलेंगे घर, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और गाड़ी से ज़्यादा बाहर रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो भाई नीचे बेसमेंट में जाना पड़ेगा हमें, तो चलते हैं। अब थोड़ी सी शांति मिल रही है ऑफिस में आके। पानी पीना तो पी ले। सो गाइस यहाँ का काम हो गया है और बहुत लिटरली बहुत गर्मी है, तो पहले एसी में बैठ ले फिर बात करते हैं। सो गाइस अभी हम आए थे गुड़गांव। एक्चुअली हमें ना ऑनलाइन कुछ चेक कर रहे थे और चेक करते करते बस थोड़ा सा ये डाउट हो रहा था कि ये जो वेबसाइट जो भी हम चेक कर रहे हैं ऑनलाइन, ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो पहले हमने उनसे उसका ऑफिस एड्रेस लिया, फिर अभी हम गुड़गांव आए थे उनका ऑफिस चेक करने कि ऑथेंटिक है या नहीं, कोई फेक पर्सन तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो भाई ऑफिस चेक कर लिया है, ऑफिस ऑथेंटिक है, लग तो रहा है। वैसे तो दो ही बंदे बैठे थे, तीन बंदे अच्छा, तो मतलब तीन बंदे थे कुल मिला के ऑफिस में। ऑफिस कुछ मतलब ऐसा बड़ा ऑफिस नहीं, छोटा मोटा जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस होता है उसी टाइप का ऑफिस था। तो ऑफिस तो ऑथेंटिक है, अब देखते हैं बाकी। तो फिलहाल अभी हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, एक चीज़ और चेक करनी है, उसके बाद निकलेंगे हम घर। और फिर मेरे बाल तो मेरे काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए, फिर ये हो गए भाई, अब ये भी साफ़ कराने पड़ेंगे, चार पांच बार जो ये दोबारा कटवाने पड़ेंगे क्लीन शेव। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। सो भाई दूसरे लोकेशन पे भी आ गए हैं। सो गाइस दूसरी लोकेशन के अंदर तो आ गए हैं और गर्मी हो रखी है बहुत ही ज़्यादा, लू चल रही है भाई ज़बरदस्त वाली। लेकिन चलो ये काम ख़त्म करके फिर चलेंगे गाड़ी में और गाड़ी से फिर सीधा घर। सो एक बार है ना ये यार्ड चेक करना था कमर्शियल व्हीकल्स का।
क्योंकि हमारा भी कमर्शियल व्हीकल का काम है। तो यहाँ पे ये सारी कमर्शियल व्हीकल है, इनोवा, स्कॉर्पियो, इनोवा क्रेस्टा, मतलब स्कॉर्पियो भी देख लो आप कमर्शियल नंबर में। और ये इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक्सयूवी, और यहाँ पे एक्सीडेंटल गाड़ियाँ भी है जो कि स्क्रैप है बिल्कुल। देख रहे हो हालत, ये भी नहीं पता चल रहा गाड़ी कौन सी है, आगे पीछे दोनों जगह से ठुकी हुई है। सो गाइस, ये होते हैं एयरबैग्स जो कि स्टेयरिंग के बीचों बीच होते हैं, और ये पैराशूट वाला कपड़ा है। तो ये एयरबैग्स है एक उधर से, और ये देखो हालत। तो चोट तो आई होगी सीवियर वाली, लेकिन बच गए होंगे अंदर वाले बंदे। और ये पक्का हाईवे का सीन है, आगे से ठुकी होगी और जब आगे से ठुकी होगी तो हाईवे पे पीछे से भी ठोक दी। हालत देख लो आप। फिलहाल वो खड़ा उज्जवल, उधर चलते हैं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये बम्पर्स वगैरह हैं गाड़ियों के, क्रैप। पसीना पसीना हो गया सब कुछ, इतनी गर्मी है। लेकिन मेरे को एक चीज़ दिखी है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, सेम बिल्कुल टार्जन वाली फील आ रही है इसे देख के। वो ऐसी गाड़ी को भाई टार्जन बनाता है। कोई हो इंजीनियर मेरा भाई ऑटोमोबाइल वाला, तो बना दो इसको टार्जन। चल चलते हैं उज्जवल के पास। ऐसी तैसी तो हो ही गई है धूप में, बाकी जो काम आए थे वो काम सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे कुछ पता करना था कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड, तो वो पता करने आया था और वो पता हो चुका है। सो वही सारा काम हो गया है, पापा ने भेजा था, पापा भी आ रहे थे पहले तो, पर फिर पापा बोले कि तुम ही जाके पता कर रहे हो। कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही थी जो कि ले ली है। अभी फिलहाल जा रहे हैं घर, और भाई बाहर निकलने का बिल्कुल भी वो नहीं है इस टाइम, तो इतनी ज़बरदस्त वाली धूप है, बीमार हो जाओगे जो धूप में घूम रहा है भाई बाहर। सो भाई फिलहाल अभी जा रहे हैं घर, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो घर चल के रेस्ट करेंगे, और आज जिम में ना शाम को जाऊँगा मैं। सो भाई अभी हैं हम छावला, छावला पहुँच गए, अभी छावला का अपना पेट्रोल पम्प। और मैंने तो नोटिस नहीं किया, मम्मी ने मुझे अभी बताया, ये देखो ये है आम का पेड़, और ये हमारे यहाँ का इकलौता आम का पेड़ है, और इसमें देखो आम भी लगे हुए हैं, देख रहे हो आम भी लगे हुए हैं भाई। मैंने तो नोट ही नहीं करा था, और ये इकलौता आम का पेड़ होगा हमारे एरिया का पेट्रोल पंप है। सही है भाई, देख रहे हो मैंने पहली बार देखा भाई अपने एरिया में आम का पेड़, वरना हमारे इलाके में दूर दूर तक आम के पेड़ नहीं है, और आम भी लग रहे हैं इस पे कच्चे। कच्चे आम की इमली खाओगे तो ही ऐसे है, कच्चे आम की खटाई खा ले तू ही खा ले, बता कैसे तेरे पे खाएगा, हमारे पे तो खाएगा। मैं तो ना खाता, ना खाता, खटाई खाऊं मैं सब्जी, सब्जी नहीं वैसे नहीं खा लेता यार, कच्चे आम तो सही लगे। दांत गिर गिरा के नमक मिर्च नमक मिर्च लगाया कच्चे आम लुगाई वाले कैसे होगा, बढ़िया लगे आदमी भी 20% ही खा देगा तेरे जैसे, तू खा दे आज मेरे पे खाई गई आज तक भी खट्टे खट्टे भाई, भाई खा जावे। क्यों मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी वीडियो देखी है लोग तोड़ के कच्चे आम पे दांत किरकिरा रहे हैं यार मेरे, तो काट के नमक और हल्की सी लाल मिर्च लगा के बढ़िया लगा भाई बहुत। चलो भाई तुम तो आम के समय में जाने का, हमारे मामा के है ना आम के पेड़ बहुत सारे, तो वहाँ से तोड़ तोड़ के इतने कच्चे आम खाए हैं, यो ना खा पाता, और मम्मी मौसी पे भी ना खाएगा, मैंने खाया था सबसे ज्यादा वो तो आम, तो हमारा बहुत पर बढ़िया लगा भाई। गाइस अब आ गए हैं घर, और ये कर रहा है गाड़ी अंदर, तो घर आ गए थे और अब शाम हो गई है काफी ज्यादा, और ये जा रहा है बाइक की राइड लेने। मौसम बढ़िया हो रहा है, हवा चल रही है, तो ये बाइक लेके जा रहा है। दुलवा भी लाएगा, अब तो दूर ही, अब क्या दुलवाऊंगा, ना ना तू ही जा, मैं जा रहा ना ना जा मुझे कर। तो ये जा रहा है राइड पे। सो गाइस उज्जवल तो गया राइड पे, और अब शाम भी हो गई है, लेकिन मैं अभी भी जिम नहीं जाऊंगा क्योंकि अब भीड़ हो गई होगी, और दोपहर में सुबह हम बाहर गए थे, दोपहर में इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी, आते आते मेरी बुरी हालत हो गई थी, तो जिम जाने का भाई टाइम भी नहीं है, बाइक पे दोपहर का तो बिल्कुल टाइम नहीं है।
तो शाम को हो जाती है बहुत ज्यादा भीड़। पर आज मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी दोपहर में जिम जाने की, पहले ही गर्मी में मर के आए थे हम, तो फिर आज मैंने दोपहर में रेस्ट किया। अब शाम हो गए लेकिन जिम में होगी फाड़ भीड़, जबरदस्त वाली भीड़, इसलिए मैं शाम को नहीं जा रहा हूँ। मैं जाऊँगा 7-8 बजे के बाद, 10 बजे जिम की क्लोजिंग टाइम है, 1.5-2 घंटे में अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो यहाँ से चलेंगे 7:30-8 बजे और आराम से जिम करके आ जाएंगे। सो गाइज मैं खेल के आ चुका हूँ अब घर पे, अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए। सो गाइज जिम करके अब आ गया हूँ घर, और भाई जब हम डाइट नहीं कर रहे होते हैं और कुछ भी जंक फूड वगैरह कुछ भी खा रहे होते हैं तब तो पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे होते हैं, लेकिन अब जिम में जाके जब एक्सरसाइज करते हैं ना भाई, जो फटती है यार। और आज तो मैंने जिम में है ना अपनी 3-4 फोटो भी ली है, और जब बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जो कि इस बार है कि मैं पक्का करके रहूँगा, मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं बॉडी ट्रांसफॉर्म करके रहूँगा, जब मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना तब मैं फोटोज़ का कंपेरिजन डालूंगा। तो आज मैंने फोटोज़ लिए, देखते हैं कब तक होता है। फिलहाल मेहनत तो चल ही रही है, डेली मैं जा रहा हूँ जिम और कोशिश कर रहा हूँ कि छुट्टी ना ही हो, चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कितना ही तूफान आए। फिलहाल इस व्लॉग में यार बस इतना ही, इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट से जरूर बताना, और बाकी लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इस व्लॉग को मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।